मोबाइल के प्राइसेस काफ़ी हाइक हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप सोचोगे कि मोबाइल से इस वॉर्स का क्या लिंक है? लिंक है दोस्तों, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि जो मोबाइल की जो चिप मेकिंग कंपनीज होती है, जो चिप मेकिंग का जो रॉ मटेरियल आता है बेसिकली, वो रशिया और यूक्रेन से काफ़ी आता है। जो दो मेजर फैक्टर होते हैं, मेजर रॉ मटेरियल होते हैं बेसिकली, आपका पलेडियम और जो नियॉन गैस होती है उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जो चिप मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन दो रॉ मटेरियल्स का। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका यूज़ हमारे मोबाइल फोन्स में, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह में, और जो भी अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, उनमें इनका यूज़ होता है। तो बेसिकली अब जो वॉर यहाँ पे छिड़ चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो यहाँ पे सप्लाई और जो डिमांड है उसका डिसरप्शन हो सकता है और शॉर्टेज आ सकती है इनकी जो चिप डिमांड में है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और मोबाइल के प्राइसेस, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह के प्राइसेस काफ़ी ह्यूजली बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही पूरा जो वर्ल्ड था ये चिप शॉर्टेज से जूझ रहा था। अगर आपको नहीं पता तो पिछले दो साल में यहाँ पे ग्लोबल चिप शॉर्टेज या सेमीकंडक्टर्स की जो चिप शॉर्टेज है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड आ रहा था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, लेबर्स नहीं जा रहे थे, फैक्ट्रीज नहीं खुल रही थी, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन था वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन डिमांड ऑलरेडी मार्केट में थी, तो उसको बेसिकली वहाँ पे काफ़ी एक सप्लाई एंड डिमांड का डिसरप्शन हुआ था। अब ये जैसे जैसे हम हल्के हल्के बाहर आ रहे थे कोविड एरा से, अब ये वॉर हो गया, और इससे अब जो ये लग रहा है कि जो चिप शॉर्टेज है और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है, और इसका इंपैक्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे पड़ने वाला है। आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे जो 44% का पैलेडियम ग्लोबल सप्लाई करता है यहाँ पे रशिया, और 70% का जो नियॉन गैस का जो सप्लाई करता है यहाँ पे यूक्रेन, जिससे बेसिकली जब चिप बनाते हैं लेज़र के थ्रू, उसमें जो चिप मेकिंग का सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है बेसिकली नियॉन गैस, उसका 70% सप्लाई यहाँ से यूक्रेन की तरफ से आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन हमारे पास इसका अल्टरनेटिव भी है, जैसे यूएस हो गया और आपका ताइवान हो गया, वहाँ भी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बहुत सारी मैन्युफैक्चर होते हैं। TSMC करके बहुत बड़ी कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ पे भी ये देखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, क्या उन लोगों ने अपना स्टॉक मेंटेन करा है, क्या उन लोगों ने यहाँ पे पैलेडियम और जो नियॉन गैस का स्टॉक मेंटेन करा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर उन लोगों ने स्टॉक अपना मेंटेन नहीं किया होगा तो जो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी वो काफ़ी ठप हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो भी EU है और US, उन्होंने सैंक्शन भी लगा दी रशिया पे यहाँ पे, और जो स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से भी रशिया को यहाँ पे अलग कर दिया, तो परचेज सेल यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो पाएगी, तो उससे भी बेसिकली जो भी है ये पैलेडियम है और नियॉन गैस की सप्लाई में भी डिसरप्शन आएंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा ह्यूज रोल प्ले करने वाला आने वाले टाइम पे। तो एक्सपर्ट्स की हम माने और जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह पकड़े, तो अगर वो ये बोल रहे कि अगर ये 10-15 दिन अगर वॉर और खींचती है तो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ेगा, और जो सेमीकंडक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसकी सप्लाई में भी काफ़ी डिसरप्शन आएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और जो बेसिकली जितने अदर कंपनीज या कंट्रीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, तो उन लोगों को अपनी सप्लाई चेन डिमांड को और स्टॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन इंटेल की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है, इंटेल ने बोला है कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं, हमने स्टॉक मेंटेन करा है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब कोविड आया था तो स्टार्टिंग में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा था, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम आगे गए थे तब जाके यहाँ पे ग्लोबल चिप शॉर्टेज वगैरह होने लगी थी, क्योंकि हल्के हल्के इस चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है आने वाले टाइम पे। तो अभी तुरंत आपको इसका इंपैक्ट देखने को शायद ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है कि इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, कार्स वगैरह में आपको प्राइस बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था, और बेसिकली थोड़ी आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी कि कौन सा रॉ मटेरियल बेसिकली हमारा मोबाइल में यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पता चला होगा, चिप मेकिंग के बारे में पता चला होगा, कहाँ से कितना रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, और इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। मुझे लगा था कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए गुड बाय।